हाय गाइस, दिस इज द सिडनम कॉलेज का आइकॉनिक बिल्डिंग इन चर्च गेट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉलेजेस इन द कंट्री. या सो अभी न्यूज एक आ रहा है, सिडनम यूज टू हैव एमएस प्रोग्राम, बोथ द प्रोग्राम, एमएस प्रोग्राम एंड द पीजीडीएम प्रोग्राम, बोथ द प्रोग्राम यूज टू रन साइमल्टेनियसली एट सिडनम कॉलेज. दोनों का प्रोग्राम वाज यूज टू हैपन थ्रू कैप राउंड. या बट नाउ द न्यूज इज कमिंग, उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि दे आर गोइंग टू मर्ज टूगेदर इन टू वन एमएस प्रोग्राम. सो सिडनम कॉलेज इज टू स्टॉप द पीजीडीएम प्रोग्राम, दे विल कंडक्ट द एमएस प्रोग्राम. या सो उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आएगा, क्या क्या एप्लीकेशन आएगा, वी लुक एट दैट. प्लस आई लुक एट द कट ऑफ एज वेल फॉर द सिडनम कॉलेज एज वी गो अलॉन्ग. ये न्यूज अभी तक कन्फर्म नहीं है, अभी तक इन द पाइपलाइन है, काफी देर से बात हो रहा था. बिकॉज अभी रूल आया है कि एमएस एंड पीजीडीएम कैन नॉट वर्क टुगेदर इन द सेम कॉलेज. या सो दे हैव टू सरेंडर वन ऑफ देम. नाउ प्राइवेट कॉलेजेस माइट गो फॉर द पीजीडीएम, बट गवर्नमेंट कॉलेजेस आर गोइंग फॉर द एमएस प्रोग्राम. तो सीईटी में दे माइट कन्वर्ट इनटू एमएस प्रोग्राम. सो टू गो इनटू दैट, लेट्स लुक एट द कट ऑफ फर्स्ट फॉर द एमएस एंड पीजीडीएम, देन वी कम टू दैट. फॉर द एचयू होम यूनिवर्सिटी, फॉर द मुंबई स्टूडेंट देर आर सेपरेट सीट्स, जिसका कट ऑफ ओपन कैटेगरी 129. ये आपकी कट ऑफ देख सकते हो यहाँ पे, हर कैटेगरी का ओबीसी 117, 94 एनटी, ऑल द कट ऑफ फॉर द मुंबई एचयू स्टूडेंट्स. यस, सिडनम एमएस में एचयू अलग है और ओएचयू अलग है, मतलब मुंबई के बच्चे अलग एंड बादशाह के नॉन मुंबई के बच्चे अलग. सो दिस इज द ओएचयू का कट ऑफ ओपन, दिस वुड बी सॉरी 138 नॉट 38. आई एम सॉरी, ये कट ऑफ कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने. ये मैंने कट ऑफ ठीक कर दिया अभी. तो ओएचयू का सीट्स ओपन कैटेगरी 130 फॉर एससी बीबीसी 128. दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ विच आई एम एक्सपेक्टिंग दिस ईयर, प्लस माइनस दो तीन नंबर ऊपर नीचे जा सकता है. या ऑल इंडिया सीट्स 99.95 एंड स्टेट लेवल कॉमन ईडब्ल्यूएस का सीट्स 112 कट ऑफ. ठीक है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ मेरे ख्याल से इस बार बढ़ेगा, बिकॉज लास्ट टाइम पहली बार कोटा रिलीज हुआ था, तो लॉट ऑफ पीपल नॉट अवेयर ऑफ दैट. सेम फॉर एससीबीसी कट ऑफ भी गो हाई दिस ईयर, ये मुझे लग रहा है ऐसा, थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, देखते अभी क्या होगा. सो एमएस का सीट्स एचयू एंड ओएचयू. पीजीडीएम में एचयू एंड ओएचयू वाज कंबाइंड इनटू स्टेट लेवल, जस्ट लाइक जमनाल बजाज, इट वाज स्टेट लेवल सीट्स. ऑल इंडिया 91.95 एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एसटी 102, एससी 107, हर एक आप देख सकते हो. ओपन कैटेगरी कट ऑफ 132. या दिस वाज द कट ऑफ लास्ट ईयर. ठीक है, ये इस बार 5 मार्क फॉल करेगा फ्रॉम दिस नंबर. सो आई चेंज दिस फॉर यू, आई गिव यू दिस ईयर का कट ऑफ. नहीं, ठीक ही है. तो पीजीडी पे कट ऑफ एक दो नंबर ऊपर जाता है फ्रॉम द एमएस का सीट, कभी वो ऊपर कभी ये ऊपर, ऐसा कुछ फर्क है नहीं दोनों में, तो सेम ही है दोनों का अंदर जाके. सो नाउ द प्लान इज टू मर्ज देम टुगेदर इनटू वन. या सो अगर तो ये मर्ज होके एचयू ओएचयू वाला सीन वापस आ गया, एचयू ओएचयू बन गया, तो ओएचयू वालों का बहुत बड़ा लॉस होगा. सो आई थिंक दे शुड मेक द स्टेट लेवल सीट कंबाइंड करके. आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए इससे? पहली बात, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बट नाउ ऑल द कॉलेजेस हैव आस्क्ड फॉर एक्सटेंशन, कि हमें एक साल का टाइम और दे दो टू डू ऑल दिस मर्जर. हमें एक साल, ये साल जाने दो, अगले साल कर दो. एंड बिकॉज द कोरोना वायरस थिंग एंड ऑल, देयर माइट द पॉसिबिलिटी दैट दे माइट एक्सटेंड दिस थिंग टू, अदरवाइज लॉट ऑफ पेपर वर्क हैव टू बी डन. और कुछ नहीं है, दो कोर्सेज को मर्ज करने में पेपर वर्क जाएगा. वैसे भी दे उसको स्टडी टुगेदर. सिडनम में पी जी एंड एम एस का वैसे भी लॉट ऑफ लेक्चर यूज टू बी कॉमन, ओनली इंडक्शन इज कॉमन, एवरीथिंग इज कॉमन देयर, प्लेसमेंट यूज टू बी कॉमन. तो सिर्फ पेपर वर्क में चेंज होने वाला है, बट ये स्टेट लेवल एचयू ओएचयू की वजह से शायद प्रॉब्लम आ सकती है. एंड दिस इज अ टेंटेटिव कट ऑफ फॉर द सिडनम कॉलेज. कॉलेज कितना अच्छा है, आई डोंट नीड टू टेल यू दैट ऑब्वियसली, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर लीविंग न्यू आईएम्स एंड कमिंग टू द सिडनम कॉलेज. यस, न्यू आईएम छोड़ के लोग आते हैं मेनली बिकॉज ऑफ द आरओआई फैक्टर. दिस शीट, एवरेज सैलरी 11 लाख, फीस ओनली 67,000. यस, ओनली 67,000 इज द फीस एट सिडनम कॉलेज ओपन कैटेगरी. रिजर्वेशन वालों के लिए 35,000 फॉर ओबीसी
एंड ओनली 2000 फॉर SC/ST. तो लॉट ऑफ पीपल लीव न्यू आई एम ऑब्वियसली टू कम टू दिस कॉलेज बिकॉज ROI का बहुत एडवांटेज है. ओके, सो हाउ यू फील अबाउट दिस थिंग प्लीज डू कमेंट. आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू गेट चेयरपर्सन ऑफ स्टूडेंट बॉडी चेयरपर्सन ऑफ सिडनम कॉलेज टू कम एंड टॉक टू यू रिगार्डिंग दिस. ओके, तो वो भी रिगार्डिंग दिस एंड इन जनरल स्टडीज एज वेल. ऑब्वियसली दे आर नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट दैट बिकॉज ऑफ स्टूडेंट बॉडी का चेयरमैन. तो वी हैव टू सी फॉर दैट, बट दिस इज द न्यूज विच इज कमिंग एज ऑफ नाउ. ऑल द बेस्ट.